हेलो फ्रेंड, ई टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको गूगल ने लॉन्च किया हुआ तेज ऐप के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम आपकी उसकी डिटेल लेंगे। तो मैंने इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली प्ले स्टोर में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से डाउनलोड करते रखा है, तो मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ। जैसे आप अपना ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आपको जो पसंद आए वो लैंग्वेज चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा डालना है? जो मोबाइल नंबर आपने बैंक को लिंक किया हो। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद वो आगे का साइन टिक करने का। जैसे आप आगे टिक करेंगे तो आपको ऐसा विंडो दिखाई देगा, वो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी सेलेक्ट हो जाएगा, जो जीमेल का होगा आपको एंड्रॉयड फ़ोन को। वो आपका दूसरा ईमेल आईडी होगा तो आप वहाँ पे जाके भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने का, आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर करके एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपका आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इधर बताता है सेफ एंड सेफ विद तेज। मतलब यहाँ पे दो लॉक दिया है इस ऐप को सिक्योर रखने के लिए। एक तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं या अपना फ़ोन का स्क्रीन लॉक। तो मैं गूगल का ही यूज़ करता हूँ, आपको जो पसंद आए वो आप कर लेने का। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने का। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें तो ऐसा कोई आपको ऐप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सब जगह पे टिक टिक करने का है। वहाँ पे भी जैसे आपको ये लास्ट वाला दिखाएगा, आपका ऊपर नाम रहेगा, उसका नीचे ऐड बैंक अकाउंट, वहाँ पे क्लिक करने का है। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, और यहाँ पे बहुत बैंक दिया है। तो आपको जो पसंद आए वो बैंक सिलेक्ट कर लेने की है। तो मेरा कोटक का बैंक है तो मैं कोटक पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका मोबाइल 2 सिम का होगा, तो आपका कौन सा सिम है जो बैंक को लिंक है, सिम 1 है या सिम 2 है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिम 1 या सिम 2 जो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करने का। जैसे ओके के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको ऐसा विंडो दिखाई देगा, तो वे बैंक से वेरीफाई कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सिम आप वेरीफाई कर रहे हैं बैंक से, उसमें आपको कम से कम 1.5 रुपये बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं रहेगा तो वो सिम वेरीफाई नहीं करेगा। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे बैंक शो हो रहा है। अभी मेरा बैंक तो आ गया है, लेकिन मेरे पास UPI नहीं है। शायद आपके पास हो भी सकता है UPI, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास UPI नहीं, तो मैं डायरेक्टली UPI क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे बता रहा है क्रिएट योर UPI, मतलब हम यहाँ पे टिक करेंगे। UPI क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास ATM होना ज़रूरी है, और ATM के लास्ट वाले 6 डिजिट और उसका एक्सपायरी डेट। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं हमारा ATM का 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट। जैसे हम फिल कर लेते हैं तो आगे का साइन के ऊपर टिक कर दें। जैसे टिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा, जो नंबर आपने दिया है बैंक को, उस नंबर के ऊपर आपको एक OTP आएगा। OTP आपको टाइप करना है, उसके बाद ऐसा ग्रीन वाला साइन आना चाहिए। और यहाँ पे आप UPI पिन सेट करने का है। यहाँ पे आपने को नया UPI पिन सेट करने का है, मतलब आप कोई तो नया चूज़ करके अपना UPI पिन डाल सकते हैं। शायद वो आपका 4 डिजिट वाला ही हो सकता है या 6 डिजिट वाला ही हो सकता है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना OTP आ जाएगा मोबाइल नंबर पे। OTP यहाँ पे डालने का है। जैसे आपको हरा रंग का साइन दिखाई देगा तो उसके बाद आपको नया UPI पिन जनरेट करने का है। वो UPI पिन आप नया डालने का है, मतलब आपको जो पसंद आए वो डाल सकते हैं आप। UPI पिन सेट करने के बाद उसके आगे ब्लू वाला साइन के ऊपर टिक करने का। जैसे आप ब्लू वाले साइन के ऊपर टिक करें तो आपको नेक्स्ट विंडो दिखाएगा, वहाँ पे बोलेगा कंफर्म UPI पिन। वहाँ पे फिर जो पिछला आपने पिन डाला है वो फिर दोबारा यहाँ पे डालने का है। जैसे आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे एडिंग द बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब आपका बैंक अकाउंट ऐड हो रहा है गूगल का तेज ऐप से। जैसे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आपको ऐसी विंडो दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे मैं बताता हूँ कि इसके ऑफ़र क्या है और उसका पेमेंट कैसा करने का, तो वीडियो देखते रहे। तो आज हम बात करते हैं तेज ऐप के बारे के। तेज ऐप ने जो कौन कौन सा ऑफ़र दिया है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल लेते हैं। तो हम सीधा ऑफ़र के ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों, मैंने ये आपके लिए पूरा हिंदी में किया है ताकि आपको जल्द से जल्द समझ जाएगा। आप
आपको तेज आपको इनवाइट करना है, मतलब आपको जैसे आप अपना फ्रेंड को इनवाइट करेंगे तो आपको भी 51 रुपये का कैशबैक मिलेगा और उसको भी मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आपका दोस्त अपना पहला भुगतान करता है, आप दोनों को पैसा मिलेगा। ये ऑफर 1 अप्रैल 2018 को ख़त्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप 9,000 रुपया कम से कम वहाँ से कमा सकते इस फाइनेंशियल ईयर में। और उसका दूसरा भी ऑफर बताता हूँ, दूसरा ऑफर क्या है, आपको एक क्रैश कार्ड का कूपन मिलेगा। जैसे आप हब इस ऐप से आप हर सॉरी इस ऐप से आप भुगतान करते इस वीक में 50 रुपये का और उससे ज़्यादा, तो आपको लकी ड्रॉ जीतने का चांस रहता है। तो आपको एक लकी ड्रॉ का कूपन आता है, तो इसका भी आप नीचे डिटेल जाके पढ़ सकते हो। और उसका तीसरा कूपन है, जैसे आप पेमेंट सेंड कर दे हर एक को, मतलब आपने जो रेफ़र किया उस रेफ़र को पेमेंट सेंड कर दे, तो उसका भी आपको एक इनाम मिलता है, वो 1,000 के अंदर ही रहता है। तो ये ऑफ़र आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कितना रह सकता हो? 9,000 तक रह सकता है। तो दोस्तों मैं अभी आपको प्रूफ के लिए बता देता हूँ कि मेरा जो रिवॉर्ड पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है जो 1 लाख कूपन वाला, वो 24 सितंबर को आएगा 7 PM को। तो यहाँ पे मैं क्रैश करूँगा तो आपको शायद जितना नसीब में होगा वो उतना मिल सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी मिल सकता। शायद वो उसका स्ट्रैटर्जी अलग होगा, वो उनको ही पता। और दोस्तों उसके ऊपर पेमेंट कैसा करना है, रह गई अभी बात पेमेंट की। यहाँ पे एक मोड दिया है कैश मोड, तो यहाँ पे कैश मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि नया, मतलब इससे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही पेमेंट कर सकते हैं। आपने जो बैंक खाता होगा, आईएफएससी कोड होगा, उससे आप तुरंत पेमेंट भेज सकते हैं। या आपके पास कोई यूपीआई आईडी होगा या कोई आपका क्यूआर कोड भी होता है। जैसे आपका ये तेज आपके यूज़र आपके नज़दीक आ जाएगा तो आप उसको यूज़र का नंबर डालकर उसको भी आप पेमेंट भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको शायद पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।